नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के पद, जो कि नक्षिक खंड से लिए गए हैं। इस खंड में अगर देखें तो नक्षिक परंपरा का अनुकरण कवि ने नहीं किया, बल्कि शिख नख पद्धति को अपनाया है और इसी पद्धति के आधार पर पद्मावती के शारीरिक अंगों का वर्णन किया गया है और इसी क्रम में पद्मावती की पीठ की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पद्मावती की पीठ के बारे में कवि कहते हैं कि बैरिन पीठी लीने ओई पाछे। यहाँ पर इस तरह से शुरुआत करी जा सकती है कि पद्मावती के अंगों का वर्णन करते हुए जो हीरामन तोता है वो राजा रतन सेन को पद्मावती की पीठ के सौंदर्य के बारे में बता रहा है कि बैरिन पीठी लीने उई पाछे, कि जो पद्मावती की पीठ है वो क्या है, बैरिन है, शत्रु है। किसकी शत्रु है, पेट की। पेट की पीठी यानी शत्रु, बैरिन पीठी पेट की शत्रु है और पीछे की ओर लीने ओई पाछे, उसको ले लिया है पीछे की ओर, कि वो पीछे की ओर स्थित है और ऐसे प्रतीत होता है जनु जानू फिरी चली अप्सरा काछे, कि मुड़कर, या ऐसे प्रतीत होती है कि मुड़कर पीठ फेर कर चली जा रही है। कौन जा रही है, अप्सरा, सुंदरी अप्सरा, कांछे, कांछे से तात्पर्य क्या है, सुसज्जित, कि सुंदरी, सुंदर, सुसज्जित, सजी हुई जो अप्सरा है वो अपनी पीठ दिखाकर, मुंह फेर कर वो चली जा रही है। मलयगिरी के पीठी सवारी, मलयगिरी जो दक्षिण में पर्वतमाला है, जो मलय पर्वतमाला है, उस पर्वत के समान सुंदर उसकी जो पीठ है वो प्रतीत होती है। सवारी यानी सुंदर, यानी जो पद्मावती की पीठ है वो मलयगिरी के समान, मलय पर्वत के समान सुंदर प्रतीत हो रही है और उसको देखकर ऐसे लगता है बेनी नाग चढ़ा जनु कारी। कारी यानी काला नाग, जो उस पर बेनी है, जो चोटी है, वो ऐसे लगता है कि मलय पर्वत पर जैसे कोई काला नाग चढ़ा हुआ जा रहा हो या चढ़ रहा हो। लहरे देत पीठी जनु चढ़ा, और वो काला नाग लहरा रहा है पीठ पर चढ़ते हुए। पीठ अर्थात यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि मलय पर्वत के समान जो सुंदर पीठ है उस पर लहराती हुई जो बेनी है, चोटी है, वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे काला नाग लहराते हुए उस मलय पर्वत पर चढ़ रहा है। चीर ओढ़ावा कंचुकी मढ़ा, चीर यानी वस्त्र, जो उसने अपनी पीठ पर वस्त्र ओढ़ रखा है वो वस्त्र कैसे प्रतीत होता है, कंचुकी मढ़ा यानी केंचुली से ढका हुआ। केंचुली किसकी, नाग की, वो पारदर्शी होती है, वैसा ही पारदर्शी वस्त्र उसने ओढ़ रखा है अपनी पीठ पर। दहू का कह असी बेनी कीनी चंदन बास भोंगह दीनी, यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो उसने धारण कर रखा है दहू, दहू से तात्पर्य न जाने क्या का कहें कहें ऐसी बेनी कीनी, कि उसने ऐसी चोटी, बेनी यानी चोटी किस लिए बनी बनाई है, न जाने, दहू का न जाने कि ऐसी चोटी, ऐसी बेनी उसने किसके लिए बनाई है। और इस बेनी को देखकर कैसे लगता है, चंदन बास भुअंग दीनी, जैसे बेनी रूपी जो नागिन है, भुअंग यानी सर्प या नागिन, जो बेनी रूपी नागिन है वो सदा ही पद्मावती के चंदन के समान जो उसका सुंदर शरीर है उसकी बास यानी उसकी सुगंध का पान करती रहती है। किशन के करा चढ़ा ओही माथे, किशन यानी कृष्ण ने क्या किया, अपनी कला से, अपनी कला के कारण वो चढ़ गया था ओही उसके माथे पर। किसके माथे पर, कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में कर लिया था उसके सिर पर खड़ा होकर। तब सो छूट अब छूटे न नाथे, कि तब तो वह छूट गया था। कैसे छूट गया था, उसने अपना, उनकी कृपा प्राप्त कर ली थी, कृष्ण ने उसे दया के वश होकर छोड़ दिया था, लेकिन अब न छूटे, कि अब जिसके वश में वो हो गया है यानी वो जो चोटी पद्मावती से बिंद गई है अब वो नहीं छूट सकती, अर्थात अब वो बिंद गई है, अब वो नहीं
छूट सकती, जो नागिन रूपी चोटी है अब नहीं छूट सकती। कृष्ण ने तो छोड़ दिया था दया के भाव से, लेकिन अब उसकी मुक्ति संभव नहीं है। कारी कवल गहे मुख देखा कि उस कारी नागिन ने कमल को, कमल यानी कमल का, कमल कौन है, जो पद्मावती का चेहरा है, मुख है, वो कमल के समान सुंदर है। और मैंने देखा कि उस काले सर्प ने गहे मुख गहन ग्रहण कर रखा है अपने मुंह में, किसको, कमल को, कि कमल को अपने मुंह में धारण कर रखा है। शशि पाछे जस राहु बिसेखा, या ऐसे प्रतीत होता है शशि यानी चंद्रमा के पाछे यानी पीछे राहु ने विशेष रूप से स्थान बना लिया है, बिसेखा यानी विशेष जगह उसने बना ली है, कि शशि के पीछे जैसे राहु अपना खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि सामने पद्मावती का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, और पीछे लटकती हुई जो उसकी चोटी है वो राहु के समान है। को देखे पावे वह नागू, सो देखे माथे मणि भागू, कि कौन उसे देख पावेगा, उसको, किसको, नाग को, कि उस नाग को कौन देखने में समर्थ है। सो देखे वही देखेगा माथे मणि भागू, जिसके सौभाग्य में, माथे में यानी किस्मत में, सौभाग्य में, जिसने सौभाग्य रूपी मणि प्राप्त कर ली है, अन्य कोई उसे नहीं देख सकता, जिसका जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है केवल वही उस सौंदर्य को देख सकता है। चौपाइयों के बाद जो दोहा है, दोहा में क्या कहते हैं, पनग पंकज मुख गहे खंजन तहां बैठ छात सिंहासन राजधन ताकह होई सो डीठ। पनग, पनग क्या है, सर्प, कि वेणी रूपी जो सर्प है उसने पंकज अर्थात कमल, मुख रूपी जो कमल है उसको मुख गहे अपने मुंह में ग्रहण कर लिया है, ले रखा है, धारण कर रखा है, किसने, सर्प ने, पनग यानी सर्प ने पद्मावती के कमल के समान सुंदर चेहरे को अपने मुंह में धारण कर रखा है। खंजन तहां बैठ, और खंजन के समान जो उसके नेत्र हैं, वो दो जो उसके पद्मावती के नेत्र हैं वो कैसे हैं, खंजन पक्षी के समान है, और उनको वहां पर बिठा दिया है। छात सिंहासन, कि जो कोई भी उस सुंदर दृश्य या रूप को देखेगा वह क्या करेगा, वो छत्र, छात यानी छत्र, सिंहासन यानी सिंहासन, राज अर्थात राज्य, और धन को ताके होई जो ढीठ, ढीठ यानी प्राप्त करेगा, कि देखेगा, कि वही उसे देख सकता है, वही उसे प्राप्त कर सकता है, अर्थात वही राजा सौभाग्यशाली होगा, वही छत्र को प्राप्त करेगा, सिंहासन को प्राप्त करेगा, राज्य और धन को प्राप्त करेगा, वही राजा पद्मावती के सौंदर्य को देख पाने में समर्थ हो पाएगा। अब अगर विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में पद्मावती की पीठ तथा उस पर लहराती हुई उसकी वेणी अर्थात चोटी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, जैसे जनु जहाँ पर आ जाता है, जैसे पहली पंक्ति में अगर आप देखोगे तो जनु फिरी चली अप्सरा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें जो यहाँ पर बेनु नाग चढ़ा जनुकारी, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके साथ साथ जो अन्य पंक्तियाँ हैं, जैसे लहरे देत पीठी जनु चढ़ा, यहाँ पर फिर से अगर देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रूपकातिशोक्ति अलंकार की, तो जैसे चंदन बांस भुवंग दीनी, यहाँ पर रूपकातिशोक्ति अलंकार प्रयोग किया गया है। को देखे पावे वह नागू, यहाँ पर भी अगर देखें तो इसी अलंकार का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद में रूपकातिशोक्ति तथा सांग रूपक अलंकारों की सुंदर योजना है। सांग रूपक यानी किसी अन्य का रूप धारण कर लेना, जैसे चोटी को यहाँ पर दिखाया है किसके तौर पर, सर्प के तौर पर दिखाया है, मुख को अगर देखें तो वो चंद्रमा के समान है या कमल के समान है, तो यहाँ पर अगर देखें तो बिंबात्मकता बहुत अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कारी विशेषा शशि पाछे जस राहु विशेषा, ये जो पंक्ति है, कारी कमल गए मुख देखा शशि पाछे जस राहु विशेखा, यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है, तो यहाँ संदेह अलंकार भी देखा जा सकता है। यहाँ पौराणिक तथ्य के आधार पर वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने कैसे कालिया नाग को वश में कर लिया था, उसको भी
उस बाल्यावस्था में कृष्ण ने जो कार्य किया था उसको भी इस पद में शामिल किया गया है। अवधी भाषा में प्रस्तुत ये पद माधुर्य गुण से युक्त है। अविद्या लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। श्रृंगार रस है। पहली जो पंक्तियाँ हैं ये चौपाई छंद में है और अंतिम दो पंक्तियाँ दोहा छंद में प्रयोग की गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।